आदरणीय दर्शक बहन नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। प्रदेश दू सरकार के दू बरस बीत चुकल छै। अई दू बरस में बहुत किस्म के काज सब केने कह के प्रदेश दू सरकार कह रहल छै, दावी कर रहल छै। वास्तव में जे युवा नेता सब छै, जे गठबंधन अखन कहल जाए तऽ राजपा आ समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रदेश दू में छै, अइ गठबंधन के युवा नेता सब के दृष्टिकोण में वास्तव में प्रदेश दू सरकार से कहल जका विकास निर्माण के काम सहित के जे योजना सब आनल गेल छै से सब पूरा भ रहल छै, भेलै कि नै भेलै, अइ विषय में आइ चर्चा करब। एकर संगे राजपा आ समाजवादी पार्टी के गठबंधन कतेक दिन धर चलतै, जेना कि मुख्यमंत्री कह रहल छै 5 साल तक पूरा काज करतै से दावी कर रहल छै। दोसर दिस कतौ ने कतौ गठबंधन नहि हुअके चाही, नेकपा जोड़े सेहो सरकार बनाबैके बात चलि रहल छै, जे पिछला प्रचंड के एकटा अभिव्यक्ति सेहो आयल छलै। वास्तवमे की सब भऽ रहल छै, तऽ युवा के दृष्टिकोण की छै, एहि विषयमे आइ चर्चा करऽ जा रहल छै। आइ स्टूडियो में बजौने छियै धनुषा के राजपा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू के। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम। धन्यवाद। ई सब विषय में बातचीत करब, जे हम पृष्ठभूमि में कहलिए प्रदेश दू सरकार के काम करवाए के विषय में, अहाँ युवा नेता छी, एहिसँ पहले जे पिछला समय में एकटा घटना भेल छलै, विशेष कऽ कऽ अपने से संबंधित एक मंत्री लग अपने गेली भेटला, ओ जे किछु बात सब भेलै, वाद विवाद भेलै, ताहिके बाद किछु एकटा घटनाक्रम देखल गेलै, करखा चूना लगा दे ततके बात कहली, ओहिमे अपने पार्टी के मंत्री के एहन की किस्म के अवस्था किया सृजना भेलै, ओतऽ शुरू करै छी। धन्यवाद। निश्चित रूपसँ हमसब खास कऽ कऽ यूथ जेनरेशन के जे लोक छै, ओकरा पार्टीसँ भी ऊपर उठि कऽ कनी काज करक चाहै छै, हमरा बुझाइए। चूँकि अखन के खास कऽ कऽ सातू प्रदेश मध्य, नेपाल के जे राजनीति सिनारियो छै, ओहिमे सातू प्रदेश मध्य संहिता के धरोहर, संहिता के लीगेसी बोकने, परिवर्तन के लीगेसी बोकने, मने संपूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित सबके लीगेसी बोकने, कोनो यदि परिवर्तनकारी शक्ति के यदि प्रमुख सरकार छै तऽ दू नंबर प्रदेश के सरकार छै। प्रदेश नंबर दू के सरकार सँ जनता आम सरकार जकाँ अपेक्षा नहि कयने छै, अपेक्षा बहुत ज्यादा छै। चूँकि अखन देखबै मने मात्र देश में मात्र नहि, बाह्य शक्ति सब भी प्रदेश नंबर दू के सरकार की कर रहल छै, दोसर प्रदेश सब भी प्रदेश नंबर दू के सरकार की कर रहल छै, एहि के कॉपी पेस्ट करे के मने कथी कहै छै अवस्था में छै। एहि अवस्था में दू नंबर प्रदेश के सरकार ऊपर कांध पर बहुत बड़का जिम्मेवारी छै। एक तऽ संहिता के व्यवस्थित कऽ कऽ जे आंशिक रूप में उपलब्धि प्राप्त छै एकरा संस्थागत करे के छै, जे आओर बाकी चीज छै ओकरा लेल संघर्ष के आगा बढ़ाबै के, दुनू चीज आगा बढ़ाबै के जे कांध पर जिम्मेवारी छै, कतौ न कतौ ई अहाँ के अपेक्षा अनुरूप काम नहि भ रहल छै, सत्य बात छै। ओहि दिन के घटना के नि कहल जाय, वास्तव में की भेल रहै, अपने सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह हुनका ल भेट गेलिए, ताहिके बाद की भेलै वास्तव में? निश्चित रूप से ओहिठाम ओहि दिन हम हुनका सँ भेट गेल छलिए, हम और माननीय जानकी शरण शाह संग संगे दुनू गोटा गेल छलिए। बात के क्रम में हम सब खास कऽ कऽ हम रखली कि प्रदेश नंबर दू के जे जतेक निर्वाचन क्षेत्र छै ओ सब निर्वाचन क्षेत्र में समानुपातिक समावेशी ढंग से बजट के विनियोजन होबक चाही, विकास निर्माण के काम में तादरुकता लाबक चाही, गतिशीलता लाबक चाही। जे अखन जे असंतुष्टि छै, खास कऽ के उपभोक्ता समिति के जे भुगतानी सब रुकल छै 87 करोड़ के हाराहारी में, ओ भुगतानी अविलंब होबक चाही जे बात रखने छलिए, ओहिमे आक्रोशित भऽ कऽ हमरा मानू अपशब्द के प्रयोग कऽ देलखिन कि अहाँके की ओका छै हँसे छै। अहिमे हम रिएक्शन देखा के तत्कालीन समय में एक मानू तत्काल के प्रतिक्रिया रहे, हम हुनका कोनो कार्यक्रम में सहभागी होबो नहीं देबे, करखा चुना लगेबे शहीद के बात सब बात सब हम रखली, ओय के मानू कथी कहै छी काल्हे भी ने ओ कार्यक्रमों में गेल के किसम के अवस्था। दोसर पार्टी या दोसर कोनो पार्टी के व्यक्ति, अगर दू व्यक्ति के बात करी, अलग अलग पार्टी के रहतिए त आश्चर्य माने कोनो बात नै छलै। नै अहाँ स्वयं अपने के पार्टी के उपाध्यक्ष छै ने नवल किशोर शाह, एकदम अपने पार्टी के राजपा के धनुषा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य सेहो छी, अपने पार्टी के
व्यक्ति जोड़े एना के किया एहन अवस्था किया सबसे पहले पार्टी के नेता छथिन उपाध्यक्ष छथिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यो बात जायज लेकिन मंत्री के हैसियत से अठमन उनकर जिम्मेवारी छे सामाजिक विकास मंत्रालय के उ सामाजिक विकास मंत्रालय के काम कार्यवाही जो यदि जनता जनमुखी नहीं भ रहल छे जनता के सेवा प्रवाह ठीक ढंग से नहीं भ रहल छे तो ओइठम अपने पार्टी के मंत्री होइ तो भी हमरा पार्टी के छवि कायम राखे के लेल जनता में सेवा नीक ढंग से प्रवाह होते के हिसाब से हमरा एकटा सचेत युवा के पार्टी के नेता के हिसाब से हमरा जानकारी करनाय दबाव देनाय ई स्वाभाविक बात छे ई कोनो रखनाय अनुचित बात नहीं छे ओहमे उनका रिएक्ट करे के कनी बेसी रिएक्ट कर देलखिन उनका कथी कहै छी गहनता ढंग से सहज ढंग से लेबक चाहे से नहीं भेलै जे के रिएक्शन स्वरूप मानु घटना परिणाम जे हिसाब से अपने कहले कि जै अनुसार काज करे के चाहिए अइजे के मंत्री सब के अइजे के सरकार के ओहि अनुसार काज नहीं कर रहल छै समानुपातिक बाट फाट के बात भ सकैए नै सब त में एक किसिम से बात होक चाहिए एक किसिम से काम होक चाहिए से नहीं भ सकले से अपने के निष्कर्ष नै तो अपने के केना लगे अगर अही मंत्रालय के बड़ बात कैल जाए सामाजिक विकास मंत्रालय के बात कैल जाए तो कौन एहन काज अपने देखलिए जे छै अतेक उचित नहीं रहले कि जै पर अहाँ सब रिएक्ट के लिए नहीं अहाँ एक मंत्रालय मात्र नहीं ई तो उदाहरण मात्र से अहाँ देखियो गत आब के जे अहाँ के विकास निर्माण के काज हेतु तो खास कर के धनुषा मोहतरी प्रदेश सरकार से उपेक्षित कैल गेल छे अइ विकास निर्माण के संदर्भ में अइ संदर्भ में उपेक्षित कैल गेल छे चूंकि जो यदि मानु हम सब जे मतलब यानी किसी के सलाह मतलब हम सब मंत्रालय के लिए मात्र नहीं कि सब के लिए सब के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मानु कथी कहे छी सब छबो मंत्रालय में अहाँ के ई बात गहनता पूर्वक गंभीर ढंग से लेनाई जरूरी छे एहि दुआरे लेनाई जरूरी छे कि हम सब जै पार्टी में जै संगठन के कार्यकर्ता छी नेता छी उ संगठन आंदोलन से शहीद के खून से बनल पार्टी छे आ ओहि पार्टी के नेता कार्यकर्ता होबे के नाता हमरा सब के मूलभूत एजेंडा रहे तात्कालीन समय में आंदोलन में अखनो छे हम सब राज्य के संपूर्ण निकाय में तह तबका में समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बात करी छी विकास निर्माण से लकर केंद्र सरकार द्वारे हम सब सब जिला में हमरा सब के मानु कथी कहे छी सम्मानजनक विकास निर्माण के बजट विनियोजन होय चाहे से हमरा सब के डिमांड छै जो यदि हमरे पार्टी आबद्ध गठबंधन के सरकार छै तो अठमन आठ गो जिला मिलकर प्रदेश दू छै अइ प्रदेश नंबर दू में अखन हम जे विनियोजन बजट से भरल प्रत्येक माने निर्वाचन क्षेत्र में जो यदि समानुपातिक ढंग से बांट फाट नहीं भेले विकास निर्माण के बजट विनियोजन नहीं भेले तो निश्चित रूप से माने जै जिला में कम गेले ओ जिला के साथ अन्याय होते अनुचित होते आ जे स्वयं समानुपाती समावेशी प्रतिनिधित्व के वकालत करे वाला पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा जो यदि एहन काज होइ छै तो आरो बेसी अन्याय होती से हमरा सबके ठहर छै ताहि दुआरे हम सब मानु ई बात पार्टी के आंतरिक रूप से भी धनुषा महोत्तरी के कतो ने कतो धनुषा महोत्तरी संग विभेद कैल गेले समानुपातिक रूप में बजट विनियोजन नहीं भेले निश्चित रूप से हम अठमन धनुषा के जिला अध्यक्ष होबा के नाता से मंत्रिमंडल में तो धनुषा के मंत्री से सहभागी छै नहीं धनुषा के मंत्री मंडल में सहभागी छै यद्यपि मानु विकास निर्माण के जे बजट छै चाहे धनुषा जिला के होइतो में जो यदि नहीं भ पाल छै तो अइ ऊपर ध्यान आकर्षण होय आबे वाला समय में ई कमी कमजोरी के सचायल जाय से बात हम रखलियै जी प्रदेश सरकार के दू बरस बीतल मुख्यमंत्री जी पत्रकार सम्मेलन दू साल में ई के लिए कह क एक फेरी सार्वजनिक केने छै अपने केना लगे कि जेन किसिम के हुनका से सार्वजनिक कैल गेल कि प्रदेश दू सरकार के सब मंत्रालय के विषय में मतलब ई काज केने छै से कह के सार्वजनिक कैल गेल छै अपने केना लगे प्रगति विवरण जे प्रदेश दू सरकार से एलै पिछला समय में प्रदेश दू साल के तो एकरा कोन रूप में लड़ल छै नहीं ठीक छै प्रगति विवरण सरकार के मतलब मुख्यमंत्री अपेक्षित छै अपेक्षित ढंग से अहाँ के जे नहीं अपेक्षित जो रहते त जन गुनासो नहीं रहते जो यहाँ माने पिछल के किछ दिन के उदाहरण देखबे त मुख्यमंत्री सहित मंत्री सब ऊपर मानु कथी कहै छी जूता प्रहार तक के घटना घट गेल छै तो ऐसा ई मानु कथी कहै छी जनता में चाहे जन अपेक्षित काम छै कि नहीं छै से हम मूल्यांकन कर सकै छी दोसर बात मतलब जेहन किसी के विवरण आबे के चाही जे विवरण आबे निश्चित रूप से तत्व तत्व मात्र नहीं अहाँ ई प्रदेश हम पहिनहो कहलिए कि प्रदेश
दोसर प्रदेश जका मानू नेकपा के सरकार नहीं छे एठम, दोसर प्रदेश जका मानू यथास्थितिवादी के सरकार नहीं छे। ई सरकार ड्रास्टिक चेंज के एजेंडा बोकने दल के गठबंधन के सरकार छे। तो अइ सरकार से अपेक्षा लोग के है मधेसी जनता के, दलित के, जनजाति के, थारू के, मुसलमान के, उपेक्षित वर्ग समुदाय के, शहीद के, घायते के, सबके, महिला के, सबके अपेक्षा की छे सरकार से कि पहिने के सरकार जका कंटिन्यूटी नहीं हुए। इस सरकार जे काज करे से ड्रास्टिक चेंज वाला काम करे, माने साहसिक निर्णय वाला काम करे। इस सरकार जे छे से आब वाला समय में आब दू वर्ष लगभग बीत गेले, आब वाला दू अढ़ाई वर्ष में इस सरकार मानू एहन काज करे जै के माने कथी कहे छे हम सब उदाहरण स्वरूप गर्व के साथ छाती फुला कर पेश कर सकी कि हमरा सबके जे आंशिक उपलब्धि मधेसी जनता अठम मत के मार्फत से दक प्रदेश दू में सरकार बनले, वही सरकार के काम करवाए हमरा सबके जे माने समय के रहले वही समय में हम सब ई काम क के देखली से मानू कथी कहे छी देखाब के अवस्था नहीं छे। विभिन्न बचाव छै ओकर कार्यान्वयन पक्ष देखियौ ना, योजना आयल छै कार्यान्वयन पक्ष देखियौ, बेटी सुरक्षा के बात आबै बढ़ल छै, कार्यान्वयन पक्ष देखियौ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छै। कार्यान्वयन पक्ष पहिलका साल में कते परसेंट बजट फ्रीज भेल छै, दोसरका साल में कते परसेंट फ्रीज भेल छै, अखन का आइ आब के अखन तक अथी कहै छै संबंधित जे विकास निर्माण के ऑफिस सब छै ओहि ऑफिस में अखन तक आय के मिति तक सब ऑफिस में प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रालय सब से अख्तियारी नहीं गेल छे। अखन तक मानू आय के डेट तक 5% तक खर्च भेल छे, 5% 7 महीना बीत गेले, 7 महीना बीत गेले, 5% बजट खर्च भेल छे। त अहाँ की अपेक्षा करबे, अहाँ स्वयं मूल्यांकन कर सके छी। हमरा मानू भाषण कैला से चाहे प्रगति विवरण देखेला से नहीं हेतै, हमरा काम क के देखा पड़तै, उदाहरण देखा पड़तै कि हम अखन तक 5 महीना में आब के माने वार्षिक कार्यक्रम में ई चीज काम शुरू करी। हमरा त लफड़ा त पहिलका एकटा छिते छै नहीं, निश्चित रूप से उपभोक्ता समिति सब के पैसा नै भेटलै, आब इहो लफड़ा के कारण से भ सकै छै, विलंब भ रहल छै। नहीं तो ई लफड़ा कहिया तक रखने रहबे, एकरा त सल्टियाब पड़तै ना, शट आउट करे पड़तै, एकर प्रॉब्लम के सलूशन की छै, तै दिस आगा भ क सरकार के अग्रसर भ क एकरा समाधान दिस आगा बढ़े पड़लै ना। अहि कारण 5 महीना बीत गेले, अब ई अहू वर्ष के बजट के ओहिना कथी कहै छै अंतिम में बजट विनियोजन हेतै, अंतिम में विकास निर्माण के काम वर्षा में उहे हवादारी ढंग से हेतै, से काम त नहीं करे पड़ले ना, गुणस्तरीय मानू कथी कहै छै लोकप्रिय ढंग से उपभोक्ता समिति के पैसा दियाबे के लेल किस काज त पिछला समय भेलै, आब कतेक आगा बढ़ै छै से देखला बाकी छै। जेना कि आर्थिक मामला मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन क के नै कानून नै चाही उपभोक्ता के पैसा दिय पड़तै से कहि क पत्रकारे सम्मेलन कऽ के कहने छले, एमहर सचिव सब कानून चाही कहि रहल छै, तऽ अपने केना लगै उपभोक्ता सबके पाइ भेटतै? नहि नहि भेटतै, तै दिस तऽ हम बुझाइ छी चर्चो करनाइ अनुचित हेत, चूँकि काम के ले जे विकास भेटक चाही खाली विलम्ब, हाँ काम भेल छै उ एक तऽ आषाढ़ मसान्त भीतर में पैसा भेटक चाही, आषाढ़ मसान्त में नहि भेटलै आइ के माने फागुन चलि अयलै, तऽ एते दिन जे डिले भेलै यऽ तऽ अइ के कारण बहुत उपभोक्ता समिति के आदमी सब ऊपर एहन लायबिलिटीज, एहन ज्यादा लायबिलिटी छै कि उ लायबिलिटीज के चलते उ अपन गाँव नहि जा पा रहल छै, ऋण लगा कऽ कर्जा लऽ कऽ विकास निर्माण के काम कयने छै, तऽ विकास निर्माण के काम कयने छै उ काम तऽ राज्य के मानू विकास निर्माण के काज भेलै, तऽ उ उपभोक्ता समिति के पैसा भेटक चाही, आ समय में पैसा नहि भेलै तोरा क्षतिपूर्ति भी मिलक चाही, लेकिन इहो जे पैसा छै से पैसा नहि मिलै छै। आब देबै से अर्थमंत्री पत्रकार सम्मेलन करै छथिन, ई बात माने कथी कहै छै जनता के आश्वस्त तुल्याबक उपभोक्ता समिति के आश्वस्त तुल्याबक के अवस्था नहि छै। हम अर्थमंत्री से विनम्रतापूर्वक अहीं के कार्यक्रम मार्फत अनुरोध करे चाहै छी कि अहाँ उपभोक्ता समिति के पैसा देबे से कहि के पत्रकार सम्मेलन नहीं करू, अहाँ उपभोक्ता समिति के पैसा विनियोजन भ के मिल गेल से कहि के अहाँ पत्रकार सम्मेलन करू, तखन मानू कथी कहै छै अहाँ ऊपर विश्वास के वातावरण बढ़तै। अपने के केना लगे जेना कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लऽ कऽ मंत्री धरि ई कहै छै कि आन प्रदेश जोड़े तुलना करै छै, आन प्रदेश तऽ हम नीक कऽ रहल छी से कहि रहल छै। नहि हम पहिने कहली कि आन प्रदेश जका ई प्रदेश नहि छै, ई प्रदेश
संहिता के जो यदि पक्षधर कोनो सात प्रदेश में वकालत कर वाला छै निश्चित रूप से दोसर प्रदेश के कॉपी पेस्ट कर वाला ई सरकारे नै छै। ई सरकार त अइ देश में नेपाल में जो यदि संघीय गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था भेल छै त ओइ के लेल बरु अइ देश में समावेशी समानुपातिक सिद्धांत लागू भेल छै। जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र यदि आंशिक रूप में प्राप्ति भेल छै यदि मानु आरक्षण के नाम पर कोनो मधेसी के दलित के आदिवासी जनजाति के बेटा नौकरी करै छै त उ दियाब वाला एहे प्रदेश नंबर 2 के जनता प्रदेश नंबर 2 के राजनीति दल मानु देशव्यापी राष्ट्रव्यापी रूप में छै लेकिन मुख्य रूप से प्रदेश नंबर 2 के सरकार उ लीगेसी वोकल पार्टी छै त आहा दोसर से कॉपी पेस्ट अपने युवा नेता छै यदि ई आहा माने कथि कहै छै 2 नंबर प्रदेश कथि कहै छै दोसर प्रदेश से कंपेयर करे लगे त तुलने नै करे वाला विषय छै जी। अपने युवा नेता छिए क्रांतिकारी युवा नेता के रूप में सेहो अपने के लेल जाय छै विभिन्न समय में जे किसिम सब अपने के कदम सब आगा बढ़ाओल जाए छै तै अनुसार क्रांतिकारी से अपने के कहल जाए छै त की लगे छै वास्तव में प्रदेश 2 सरकार असफल भ गेलै अखन हम पूर्ण रूप से असफल त नै कहे लेकिन सफलता दिस सेहो आगा नै बढ़ रहल छै चूंकि अहाँ के आम जनता में आम माने कथि कहै छै उपभोक्ता में आम मधेशवासी में जै किसिम के मधेशवासी में अहाँ के अपेक्षा अनु रूप के जे काम होबक चाहे तैसा सटिस्फाई नहीं छे जो यदि जनता के नजर सटिस्फाई नहीं छे ठीक असफल नहीं भेल छे लेकिन जत्ते काज करक चाहे नहीं कर सकले से अपने के निचोड़ छे एकर कारण की एकर गठबंधन समाजवादी जोड़े राजपा के गठबंधन ई प्रमुख कारण छे या नेता सब में मंत्री सब के मानसिकता विकास कर के सोच नहीं भेला से भ रहल छै कि मुख्य कारण की छै वास्तव में जड़ पकड़ल जाय हम एमे दू तीन टा बात देखै छी एकटा अहाँ जे कहली राजपा फोरम अखन के समाजवादी तो राजपा समाजवादी के जे गठबंधन छै ती गठबंधन के आधार में तो हम सब चुनाव में वोट मांगने छी चुनाव में जनता एकरा अनुमोदित कहने छै गठबंधन के उ अनुमोदित गठबंधन के सरकार छै त गठबंधन ऊपर त हमरा बुझाय प्रश्नवाचक चाहे क्वेश्चन मार्क नै उठायल जाय दोसर बात रहले कि मंत्री सब के अहाँ देखबै ई बात समस्या छै मंत्री सब के आपसी तालमेल के समस्या छै यथार्थ बात छै अहाँ देखने हेबै आर्थिक मामला मंत्री जोड़े अन्य मंत्रालय सब के समन्वय के अभाव रहै छै अने कहियो मुख्य मंत्रालय जोड़े मानु कथि कहै छी मंत्री सब के आंतरिक मानु समन्वय के अभाव ई बात समस्या छै। दोसर बात जै अनुरूप से अपेक्षाकृत हम सब जे मानु कथि कहै छी अपेक्षा करै छी काज के ओहि अनुसार के और क्लियर कर दी अपने ओहि अनुसार अपने कहलिए मंत्री सब के बीच समन्वय के अभाव छै से कह रहल छी मंत्री सब के बीच समन्वय के अभाव छै कि दुटा अलग अलग पार्टी के मंत्री के बीच के समन्वय अभाव छै नै मानु एक दोसर कथि कहै छी पार्टी के गठबंधन भेला के बावजूद एकरा जनता अनुमोदन कयने छै त अनुमोदित गठबंधन ठीक छै जनता अनुमोदन के छै से अपने कहै छै ठीक छै अपने जना कहली ने कि मतलब समन्वय के अभाव देखल जाए मंत्री भित्रे में निश्चित रूप मंडल के मंत्री ओकर सदस्य सब बीच में समन्वय के अभाव देखल जाए कते बेर बेर ई न्यूज सब से आवे के अभाव पार्टी पार्टी बीच के मंत्री सब जे छै तिनका सब में देखल जाय छै कि वास्तव में एकेटा पार्टी में सेहो समन्वय के अभाव देखल नै ई दुनू चीज छै ओ दुनू चीज छै एकटा पार्टी भीतर में सेहो समन्वय के अभाव देखल जाय छै दोसर माने दुनू पार्टी भीतर के समन्वय के सेहो कने ने कने कथि कहै छै अभाव देखल जाय छै जै के असर सिंगो प्रदेश सरकार ऊपर पड़ि रहल छै ई दुनू बात छै जी। तऽ आब अपने के की लगे एकर निदान के बात करी तऽ की भ सकै छै निदान निदान के उपाय छै जो यदि खास कर के हम पार्टी भीतर में भी संगठन भीतर में भी बात उठेने छी कि त एकरा अखन जे मंत्री सब छथिन उनका सबके समय दे परले जे पहिने खास कर के राजपा दिस जते प्रतिनिधित्व करी छथिन प्रदेश सरकार में तो हमरा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल द्वारा प्रदेश सरकार के प्रगति विवरण मांगने रहे मीटिंगो भेल छले हमरा सबके प्रत्येक जिला से जिला अध्यक्ष मंडल के सेहो राय सुझाव मांगने रहे पार्टी हम सब सुझाव देने रही इहे सुझाव देने रही जे अहाँ के बीच में आई बजे छी आई से मानू साल भर एक साल पहिने हम सब पार्टी में सुझाव देने रही कि जन अपेक्षा अनुरूप के मानू प्रदेश सरकार
सबके मानो भूमिका आगा नहीं बढ़ पा रहल छै हमरा सबके तात्कालीन समय के ठहर रहल जे आइयो कहै छी हम सब पार्टी भीतर में भी आंतरिक बात उठेने छी कि कम से कम प्रदेश सरकार के जे मंत्री सब छथिन उनका सबके समझा बुझा के अहां सब अई समय सीमा भीतर प्रगति नीक देखैली तऽ ठीक छै अहां के कंटिन्यू करब नहीं कंटिन्यू करब तऽ राजापा भीतर खास कर के नेता कार्यकर्ता विधायक के कमी नहीं छै 101 होनहार 101 क्रांतिकारी 101 अनुभवी दक्ष व्यक्तित्व सब छै जेकरा हम सब मानू यदि अवसर देबे तो अखन का अवस्था में जे काम भ रहल छै प्रदेश सरकार के एकरा मानू कथी कहै छै विकल्प में मानू स्मूथली आगा बढ़ सकै छै से हमर ठहर मतलब कि समय देल जाय से कहै छै निश्चित रूप से एकटा ई कहल जाय कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से एकटा चेतावनी आवे पड़ै छै एकदम एकदम निश्चित रूप समय सहित के चेतावनी ई विलंब भ रहल छै ई दुनू पार्टी के गठबंधन के मतलब अब धीमे अपना के सुधार नहीं केला पर हां नहीं केला पर हम मानु पदस्थापन कर सकै छी विकल्प में दोसर विधायक के मंत्रिमंडल फेर बदल कर सकै छी निश्चित आ करहु चाहे ई आवश्यकता भी छै ताकि अखन जे मंत्री छै उनको सबके भीतर में एकटा डर रहते कि हम काम निक से नहीं कर पाली तो हमरा चेंज हो पड़ते दोसर के केना लगे राजपा के जते मंत्री छै राजपा के राजपा से जते गोटे मंत्री बनल छै सब केओ काम लायक नहीं भेले से करल छी नहीं हम से नहीं कहली एक ठमियाय चाहे ठहर अई ढंग से ने काम लायक नहीं भेल छै अपेक्षा अनुरूप अपेक्षा अनुरूप सब मंत्री में लागू करै छी अपेक्षा अनुरूप राजपा राजपा के मात्रे के लिए कहे अखन प्रदेश सरकार के आय के मिति तक अहीं हमरा जे डाटा सुनैली कि 5% बजट खर्च भेल छै महीना कोन चल रहल छै फागुन चल रहल छै तऽ अइसे अहाँ स्वयं मूल्यांकन कर रहल छियै कि मानू अवस्था की छै तऽ अइ अवस्था के मानू कथी कहै छै पुनर्विचार कयल जाय कि नहि कयल जाय अइ अवस्था के समस्या के निदान कयल जाय कि नहि कयल जाय जँ यदि नहि करतै तऽ आबऽ वाला 2.5 वर्ष में हम जनता के बीच में की कहबै कि हमरा अथी काठमांडू के सरकार काम नहीं करा दलके की कहबे कि हमरा कांग्रेस से माले काम नहीं करा दलके अखन ब्रेक कर तो आई आई अवस्था से हम सब मानु कथी कहै छी समय में अखन जो यदि करेक्शन करै छी चाहे अखन पुनर्विचार करै छी त आब वाला समय में एकर रिजल्ट नीक रहते जी अखन ब्रेक ल रहल छी दर्शक वृंद अखन ब्रेक ब्रेक के बाद फिर बातचीत एकदम जाय रहते ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में आ स्टूडियो में छथि ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू राजापा के धनुषा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य ज्ञानू जी अपने ई कह रहल छी कि एकटा समय सीमा देल जाय एहि जगह मंत्री सब के राजापा मात्र नहि सपा के सेहो से काम जन अपेक्षित करे नहीं से नहि कह सकले से अपने के एकटा कतौ ने कतौ असंतुष्टि छै कि नहि कह सकले से अपने के निष्कर्ष छै जन अपेक्षित काज करे एकर लेल किछु दिन समय सीमा देल जाय तकर बाद भ सके तऽ परिवर्तन समेत कयल जाय से आवश्यकता छै से अपने के निचोड़ रहल अछि एहि बीच मे विशेष कऽ कऽ फागुन के बहुत गोटे प्रतीक्षा करै छलै फागुन एतै तऽ ताहिके बाद फेर नेकपा राजपा के जे एकटा तालमेल भेल छै केन्द्र मे विशेष कऽ राष्ट्रीय सभा चुनाव के लेल जे भेल रहै तालमेल तऽ ओ तालमेल के किछु आगा बढ़ाओल जेतै या कहू दोसर चरण के एकटा काज कयल जेतै सेहो कहल जाइ छै ओकरा प्रदेश दू सँ सेहो जोड़ल जाइ छलै कि सरकार परिवर्तन के बाद सब एहिमे कतेक वैधान मतलब कतेक मतलब ई भऽ सकै छै तेहन सम्भावना सेहो भऽ रहल छै कुछ नहि देखियौ ई की छै खास कऽ कऽ राज्यसभा के चुनाव के लऽ कऽ तत्कालीन समय में समाजवादी पार्टी दिससँ जे किसिम के राजापा के जे दूटा सीट रहै राज्यसभा में ओ दुनू सीट लूज करय के अवस्था रहै तात्कालीन समय में जे गणितीय मानो हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के हिसाब से राजपा के दूटा प्रतिनिधित्व रहे राज्यसभा में ओहो लूज करय के अवस्था रहे समाजवादी पार्टी अपन एक दिस से अखन के जे नेकपा छै ओहि संगे के गठबंधन सरकार में सेहो रहे आगा बढ़ल रहे तो हमरा सबके मानो विकल्प राजपा दिस विकल्प ई रहे कि एम्हर से कांग्रेस सपा और राजपा मिले छै तखन गठबंधन चुनाव जीत सकै छै हाँ नहि तऽ ओहिके लेल तात्कालीन समय में जो यदि कहबै तऽ कांग्रेस एक हद तक मानु कथी कहै छै तैयारो रहे सपा दिससँ तेहन ठोस बात हमरा सबके आदरणीय अध्यक्ष जी राजेंद्र महतो गेल रहथिन गप करय लेकिन सपा के नेतृत्व पंक्ति से ठोस मने कथी कहै छै बात नहि अयला के कारण बाध्यात्मक अवस्था में नेकपा जोड़े गठबंधन करय पड़लै ओ गठबंधन से हम सब जे
राजा पाके राज्यसभा में जे दुगो प्रतिनिधि रहे उ प्रतिनिधि के बचाव में सफल भेले। दोसर बात अहाँ जे कहली ओहि गठबंधन के और कंटिन्यू कैल जाए, उ कंटिन्यू के जे चर्चा परिचर्चा हम सब न्यूज में सुने छे किसके बात सब जे अबैत रहे छे, तो ओहि के मूलभूत कारण के छे राजनीति में खास कर के सब दिन के लेल मित्र और सब दिन के लेल शत्रु क्यों नहीं हो जाए। दुगो ध्रुव में जो यदि हम थाई शत्रु थाई मित्र तो नहीं हो जाए, लेकिन मुद्दा के हिसाब से इशू के हिसाब से मित्रता और माने वैमनस्यता शत्रुता हो जाए। तो अहाँ जो यदि अखन राजा पाके माननीय माने अत्यधिक मत से निर्वाचित एक थारू के बेटा माननीय रेशम चौधरी जेल में रहते, राजा पाके नेता कार्यकर्ता ऊपर आंदोलन के मधेश आंदोलन में आंदोलन करे वाला नेता कार्यकर्ता ऊपर मुद्दा लगाल रहते, संविधान संशोधन के माने सौ उच्चारण नहीं करबे तो यथास्थिति में नेकपा जोड़े गठबंधन करे के नहीं आवश्यकता छे न औचित्य छे। मतलब अपने की कह रहल छी कि मतलब सरकार बनाबे के लेल नेकपा जोड़े कोनो किसी में गठबंधन नहीं हेतै? निश्चित रूप से यथास्थिति केन्द्र में हो या प्रदेश में, निश्चित रूप से मतलब केन्द्र में अगर सरकार में आवे कहते तखनो राजपा नहीं जेते से कह रहल छी, निश्चित रूप से मतलब वही रूप से आगा नहीं बढ़ायल जेतै गठबंधन, निश्चित रूप से। राष्ट्रीय सभा में राजपा के किछु अस्तित्व रहे नहीं तहु हिसाब से गठबंधन कैल गेल छले राष्ट्रीय सभा के चुनाव में, लेकिन ई गठबंधन के निरंतरता आब नहीं छै से अपने कह रहल छियै? निश्चित रूप से अइ दुआरे कहले कि ई यथास्थिति में गठबंधन समाप्त भ गेल से कह रहल छै, निश्चित रूप से यथास्थिति में गठबंधन राष्ट्रीय सभा के चुनाव तक मात्र छले, राष्ट्र सभा के चुनाव तक मात्र छले, आ राष्ट्र सभा के चुनाव के आरो जो यदि आगा लंबिया बचाय छै नेकपा त जहिना हम सब आइ काल्हि में सुनलियै कि कोनो अमुक व्यक्ति पात्र के लेल संविधान संशोधन लायल जाय छै, तो जो यदि माने नेकपा राजपा जोड़े गठबंधन के आगा बढ़ाबे चाहे छै तो संविधान संशोधन के मुद्दा आगा बढ़ाबे पड़लै, माननीय रेशम चौधरी के रिहाई करे पड़लै, तै के बाद हम सब गठबंधन दिस सरकार दिस आगा सोचबै, ओहि दिस आगा हो सकै छै, माने विचार छलफल करे के वातावरण बन सकै छै। अखन त मानू वातावरण माने सोच के छलफल करे के विषय भी नहीं छै, अहाँ के सोचू ने एक छिन कल्पना करियो त जे अखन भी माने मधेश आंदोलन के क्रम में मुद्दा लागल आदमी अखनो जलेसर जेल में छै, अखनो मुद्दा लागल आदमी नेकपा के मानो कथी कहै छै बहुमत के सरकार छै, एकरा यदि अविलंब फिरता ल क वातावरण बनाबे चाहै छै उदार होबे चाहै छै, अखन लोकतंत्र में जेकरा ल शक्ति छै उ यदि उदार भ क काम कर आगा बढ़े छै त हम सब मानो कथी कहै छै ओहि दिशा आगा माने कथी कहै छै गंथन मंथन छलफल के विषय हो सकै जी। राजपा अपने जना कहि रहल छी कि राजनीति में कोई थाई मित्र थाई शत्रु नहीं होइ छै, तो राजपा के तो एक क्लियर कह दिए पड़े ना कि कौन कौन अवस्था में हम सब मित्रता के हाथ बढ़ेबे नेकपा जोड़े नहीं आ कौन कौन अवस्था में अलग भ जेबे से तो क्लियर हो पड़े एकदम क्लियर। हम जना के चुनाव के बेर में मिल गेलिए अखन आब कैसी हम सब नहीं मिलबे जाले तक संविधान संशोधन के बात नहीं हेतै रेशम चौधरी के रिहा नहीं हेतै झूठा मुद्दा से फिरता नहीं लेल जेतै ताले तक कोनो किस्म के गठबंधन नहीं हेतै अपने कह रहल छै, मतलब जनता एज कन्फ्यूज भ रहल छै वास्तव में कखन अपने मित्र छियै नेकपा जोड़े कखन मित्र नहीं छिए। यहाँ देखियो मित्र आ शत्रु के बात की है, राजनीति में इशू के आधार पर मित्रता होइ छै आ इशू के आधार पर हम पहिने कहली कि मानु फरक विचार होइ छै। राज्यसभा के चुनाव से पहिलहु तो एकटा गंभीर बात छलै ने, नहीं गंभीर बात छल त संविधान संशोधन के तात्कालीन समय में राजपा के दूटा सीट हम पहिने कहली कि बचाव के लेल राज्यसभा में गठबंधन भेलै, तात्कालीन समय में सपा नेकपा जो माने नेका जोड़े गठबंधन नहीं होती तो दूटा सीट लूज करे पड़ते, तो अहाँ के दूटा सीट बचाव तक के गठबंधन आगा बढ़ल। अखन के अवस्था में जो यदि गठबंधन के कायम राखे चाहे छे तो कायम राखे चाहे छे तो संविधान संशोधन करे पड़े ना, गठबंधन के कायम राखे चाहे छे तो रेशम चौधरी के छोड़े पड़े ना, गठबंधन के कायम राखे चाहे छे तो मानू जते झूठा मुद्दा सब लागल छे फसाओल गेल छे ओकरा सब के मानू कथी कहे छे मुद्दा फिरता ले पड़े ना, तब ना मानू कथी कहे छे आगे बढ़ते। मतलब आब अगर गठबंधन के कायम राखे चाहे छे तो संविधान संशोधन होवे के चाहिए मुद्दा फिरता होवे के चाहिए ई सब काज होवे के चाहिए तब मात्र कोनो संभावना बन सके छे
प्रदेश दू में राजपा आ नेकपा के गठबंधन के सरकार के नहीं से कह रहा अपने निश्चित रूप से संभावना मानो छलफल के विषय भ सके तत्वे मात्र है अपन कोनो किस्म के छलफल नहीं छलफल के विषय नहीं भ सके तत्वे मात्र है ने हम सब प्रदेश दू के सरकार जे छे प्रदेश दू के सरकार जनता द्वारा अनुमोदित सरकार छे मतलब चुनाव के समय में गठबंधन मनाकर हम सब चुनाव लड़ल छलिए तो ऊ मानू कथी कहे छे प्रदेश दू के सरकार गठबंधन के कोनो हिसाब से कमजोर करे पड़ते तोड़े पड़ते बहानाबाजी करे पड़ते से हमरा आवश्यकता नहीं बुझाई जी। अब अइ बीच में समाजवादी जोड़े दू किसी के बात पड़ल छे एकटा त समाजवादी पार्टी आ राजपा के जे गठबंधन अखन छे विद्यमान एकरा निरंतरता देल जाए जना कि मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिक्रिया आयल रहे से पाँच वर्ष धरि सरकार चलते अय में निश्चिंत भ जाओ से कह के जनता के कहने छे से सरकार गठबंधन परिवर्तन नहीं हेतु से हर कहब छे। दोसर दिस राजपा के आ समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बरकरार राख के लिए जना अपने कह रहा छे कि नेकपा जुड़े गठबंधन तो आब नहीं भ सके छे आ दोसर दिस एक और बात ये आबि रहा छे कि एकीकरण के बात सेहो आबि रहा छे तो अपने केना लगे गठबंधन के बरकरार रखे तो एकीकरण के बात आगा बढ़ रहा है समाजवादी जुड़े एना गठबंधन के तो खैर विषय में हम पहिने कह दिले कि एकरा बरकरार रखे एक मानू सबके जनता के जनादेश से आ जनता द्वारा अनुमोदित गठबंधन है ते द्वारा एकरा विकल्प में नहीं सोचल जाए। दोसर बात पार्टी एकीकरण के बाद जे कहली से आबि रहल छै छलफल के विषय में पहिनहो छलफल प्रारंभे छलै तो किस कारण से मानू कथी कहै छै सपा के नेतृत्व पंक्ति मानू लचीलो नहि भेला के कारण मानू गठबंधन पार्टी एकीकरण में आगा बढ़े से नहीं बढ़ले यद्यपि मानू हम सब पार्टी एकीकरण होइ छै तऽ ठीके छै एकीकरण के बाद छलफल मानू दुनू पार्टी सह अस्तित्व के आधार में मानू दुनू पार्टी के अपन अपन अस्तित्व के आधार में सह अस्तित्व के आधार में पार्टी एकीकरण दिस आगा बढ़े छै तऽ छलफल जारी छै वो आगा बढ़े नहि यदि बढ़े छै तऽ आबऽ वाला समय में सेहो हम सब एकरा जेना गठबंधन बना के चुनाव लड़लिए तहिना सपा और राजपा के गठबंधन बना के आबऽ वाला समय में संघर्ष में सेहो चुनाव में सेहो आगा बढ़क चाही। अब अखुनका गठबंधन के सरकार तोड़ के प्रयास भ रहल छै तेकर आशंका है अपने सब के जेना कि एहि बीच में जे कचुरी में अहाँ के परिक्रमा के उद्घाटन करे के लेल प्रचंड आयल छलथि ने हुनकर अभिव्यक्ति की छलै कि राजपा जोड़े सेहो बात चल रहल छै समाजवादी जोड़े सेहो बात चल रहल छै प्रदेश दू में सरकार बनाबै के लेल बात वास्तव में चल रहल छै कि ओनाहिते बजलै एना छै प्रचंड जी कखन कखन कोन समय में की बजै छथिन से उनके अभिव्यक्ति से जो यदि अहाँ मूल्यांकन करबै तो वहाँ एगो मने कथी कहै छी अपन कॉन्सेप्ट बना सकै छी कखनो की बाजि दै छथिन फेर वो अपने कथी कहै छी स्वीकार कर लै छथिन कि हमरा से कमी कमजोरी बजा गेल बजते बजते कहि दै छथिन कि 5000 आदमी के हम मारली तेकर जिम्मा हम लेबै तऽ हुनकर माने कथी कहै छी बात विचार मानू सपा जोड़े गप करै छथिन राजपा जोड़े गप करै छथिन ओ विचार सब मानू कथी कहै छै आ राजनीतिमे गप सप होनाइ गप सप होनाइ छलफल होनाइ ओ कोनो कथी कहै छै माने अनुचितो बात नहि छै गप सप होनाइ छलफल होनाइ स्वाभाविक बात छै गप सप करै छी तऽ अहाँ आओर गप सप करू लेकिन ओतबे जिम्मेवार अहाँ पहिने बजने रही एक दिन मानू कथी कहै छै कतौ भेलामे कि रेशम चौधरी जल्दिए छूटि रहल छै कहाँ छूटलै छोड़ के लेल अहाँ जोड़े मैंने कथी कहे छे उ शक्ति है अखन मानू नेकपा संगे उ शक्ति छे चाहे तो रेशम चौधरी के अविलंब रिहाई करवा सके छे मुदा फिरता ल सके छे उ नहीं कर रहल छे ततबे ने अहाँ जो यदि जिम्मेवार हो नेकपा अहाँ सब के प्रलोभन दिए कि सरकार में आओ केंद्र सरकार में सहभागी भ जाओ छोड़ देबे नहीं प्रलोभन के बात नहीं है प्रलोभन आ समझौता एग्रीमेंट तो कते बेर भेल छे कते बेर भेल छे तो ओके कार्यान्वयन कराबा के समय नहीं छे अखन अहाँ कार्यान्वयन दिस ईमानदारी पूर्वक आगा बढ़े कार्यान्वयन के दिस आगा बढ़े तो लोक में कनी न कनी आशा पलेते अखन के अवस्था की अहाँ देखियो नेपाल के राजनीति घटनाक्रम से जो देखबे हमार विदेश मानू कथी कहे छिमेकी मुलुक सब मने उत्तर दक्षिण के जो यदि छुमेकी मुल्क सब के बात करबे तो सब विकास के क्रांति कर रहल छे हम सब कथी में लागल छे अखन तक
राजनीतिक क्रांति में लागल छै, राजनीतिक संघर्ष में लागल छै। तऽ हम सब मानो अपन जे मानो छिमेकी मुलुक सब छै ओहु सब से हमरा सब के लेसन लेबक चाही, पाठ सीखक चाही कि हम सब कति दिन आंतरिक संघर्ष में राजनीतिक संघर्ष में लागल हब। तै दुआरे अखनी खास क के नेकपा के कांध पर नेपाली जनता बहुत बड़ा कथी कहै छै अभिभारा और जिम्मेवारी देने छै। बहुमत के सरकार छै, जो यदि कनी आर उदार बने तो दू तिहाई बहुमत के सरकार भ सकै छै। तो इतिहास के कालखंड में माने बिरले भेट वाला चीज छै। तो अखन मानु कथी कहै छै नेकपा के नेतृत्व पंक्ति जो यदि चाहै छै कि हम सब मानु कथी कहै छै ई देश नेपाल हिमालय में रह वाला कैसे हो, पहाड़ में रह वाला कैसे हो, मधेश में रह वाला कैसे हो, ये देश एगो थारू के बेटा कैसे हो, एगो मुसलमान के बेटा कैसे हो, एगो दलित के बेटा कैसे हो, एगो मानु कथी कहै छै खसारे के बेटा के मानु कथी कहै छै छाती फुला के गर्व से कही हम नेपाली छी। से वातावरण निर्माण कर के वातावरण बनाब के अभिभारा कांध पर जिम्मेवारी अखन नेकपा संगे छै, उ अभिभारा पूरा करे के चाहे आ ओय के नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी के लेबक चाहे छै हमरा। अब अंत अंत सीओ चल छी, विशेष रूप से अपने दुटा बात कहली, एकटा प्रदेश सरकार के निक से काज करे के चाहे, एकटा उ बात अपने कहलिए। दोसर अपने कहलिए समाजवादी आ राजपा बीच के गठबंधन बरकरार रह के चाहे 5 साल तक, से अपने कहलिए। आ पार्टी के बात करिए, राजपा के अधिवेशन करे के बात छलै, महाधिवेशन से कहिया हेतै, की छै बात सब अखन तक, काय बेर पोस्टपोन्ड भऽ चुकलै? नै, एकर प्रयास भऽ रहल छै। आदरणीय महंत ठाकुर के नेतृत्व में महाधिवेशन तैयारी समिति गठन भेल छै और वर्गीय संगठन सबके भी जिम्मेवारी मानु भरखरे कृष्णा सिंह के देल गेलिए विद्यार्थी संगठन के, तहिना मानु कथी कहै छै आगा बढ़ रहल छै। पार्टी भीतर में छोटा पार्टी जे एक ढिक्का भेलै ओकरा आंतरिक समस्या निश्चित रूप से हमरा कह में कनिको हिचकता नहीं हुए कि आंतरिक कनी न कनी हमरा सबके पार्टी भीतर में व्यवस्थापन में जे समस्या छले ओ व्यवस्थापन के समस्या के लक हम सब मानू जे निर्वाचन आयोग में देल गेल छै समय सीमा, ओ सीमा के 1 साल के बढ़ावा के मानू कथी कहै छै अवस्था एलै कि ओ समय सीमा भीतर में मानू पार्टी के महाधिवेशन नहीं करा सकल के। पार्टी बेर बेर कथी कहै छै विभिन्न उपाय सब प्रयास सब कर रहल छै कि कोन माने सूत्र फार्मूला लगेबे जे पार्टी के शांतिपूर्ण और संयमित ढंग से महाधिवेशन भ जाए। बेर बेर प्रयासो भेले कनी न कनी कथी कहै छै पहिलका डेट से फेल भ गेलै अपने के महाधिवेशन हेतै या कनी कनी समस्या महाधिवेशन के विकल्प नै छै, महाधिवेशन त करहि पड़तै, महाधिवेशन नै कऽ उपाय छै अखन मानु एकटा कथी कहै छै उपलब्धि की भेले कि हमरा सबके धनुषे जिला में बात करबे त वार्ड तक हमरा सबके वार्ड यूनिट तक हमरा सबके 6-6 गो संगठन छले, आब वार्ड सब पालिका लेवल तक हम सब एकटा संगठन बनाबे में सफल भ सकल भ गेल छी। एका दुका किछ पालिका लेवल में हमरा सबके दू दूटा समिति छै, नै त हम सब मानु कथी कहै छी पालिका लेवल तक पुगि गेल छी। आब हमरा सबके क्षेत्रीय कमिटी बनाबे के छै आ जिला कमिटी बनाबे के छै, जो यदि क्षेत्रीय कमिटी और जिला कमिटी हम सब एक ढिक्का क के एगो संरचना में वन मैन लीडरशिप में हम सब बनाबे में सफल भ जेबै त निश्चित रूप से महाधिवेशन त भ गेल गाँव में वार्ड में, तब मने महाधिवेशन के दिशा आगा बढ़ गेल। अब एक जखने जिला कम्प्लीट भ गेले त केंद्र दिशा आगा बढ़ते, प्रादेशिक संरचना दिशा आगा बढ़ते, त अइ वे में हमर सबके नेतृत्व पंक्ति से हो गंभीर छथिन आ संभवतः आइए हमरा सबके मने केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के बैठक से हो छै, त हमर अध्यक्ष जी सब किछ न किछ अइ विषय में हम सब सुझाव देने छी और दबावो देने छी कि ई मने कथी कहै छै पार्टी के महाधिवेशन, पार्टी के गतिशीलता, वर्गीय संगठन सबके गतिशीलता अगाड़ी बढ़ा पड़लै और डेमोक्रेसी में पार्टी के आंतरिक प्रतिस्पर्धा आंतरिक मने कथी कहै छै चुनाव भी होनाई जरूरी है, तै दिशा आगा बढ़ते पार्टी, तै के लेल दबाव दऽ रहल छी निश्चित रूप से जी। व्यस्त कार्यक्रम में सभा भेलै तकर लेल धन्यवाद अपनों के और अपने के संपूर्ण अपन टेलीविजन के संपूर्ण यूनिट के हमरा और हम राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल धनुषा जिला कमिटी के तरफ से और व्यक्तिगत हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमर विचार अखन के समसामयिक विषय में जे घटना परिघटना छै तै समय में तै संदर्भ में हमर विचार राखे के जे अवसर देल तै के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, ओ छलथि ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू, धनुषा के
राजपा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य आई हुनका से बातचीत करे छले प्रदेश सरकार के जे दू साल के काज सब भेले एकटा युवा नेता के नजर से ओ केहन देख रहल छै काज सब केना कर रहल छै की करय के चाही तैके बाद पार्टी के अधिवेशन महाधिवेशन किया अखन तक भ सकले ओहि के लेल की सब कर रहल छै तऽ युवा विशेष कर के युवा नेता सब एहि विषय में बातचीत करे छले बेस्त नमस्कार।